हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक है और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो आज शनिवार सुबह से आप लोगों को साथ में लेकर के स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो अभी बज गया सुबह का 6, तो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो अभी बनाने जा रहे हैं पूड़ी। तो पूरी बनाने के लिए मैंने कोई मैदा वगैरह कुछ नहीं लिए है। आटा है, राशन का आटा है, पैकेट वाला आटा है। तो इसमें पूरे अच्छे से इसको चाल लिए हैं, चाल के रख दिए थे और अभी पूरे अच्छे से आटा को छान भी लिए हैं और जा रहे हैं पूरी बेलने के लिए। तो अभी देख ही पा रहे पूरी बेल रहे हैं और है ना। तो बात ये है कि सबको देखते हैं कि तेल डाल के इसको बेलते हैं, तो तेल डाल के मुझे नहीं आता है बनाने, तो इसलिए परथन डाल के ही बना रहे हैं। जैसा आता है बस वैसे ही कर रहे हैं और तेल डाल के ना पूरा सड़ जाता है, बेलने ही नहीं आता है। मतलब रोटी उठाने से पहले ही फटा देते हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो इसलिए है ना, तो ऐसा ही बेले जा रहे हैं। ऐसा ही बेलने में कम्फर्टेबल होता है और इसलिए ऐसा ही बेलते हैं। और बाकी आप लोगों को आगे वीडियो पर बताते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और इधर है ना, तो पूरी बेले थे, तो पूरी बना के हो गया रेडी। अभी गैस को ऑन कर देंगे और ऑन करके इसमें बैठा देंगे कढ़ाई को अच्छे से। और कढ़ाई को सूखने के लिए छोड़ दिए थे, तो पूरे अच्छे से जो भी पानी वगैरह टान लिया है आग में। और अभी इसमें डाल दिए हैं तेल, तो तेल को पूरे अच्छे से गर्म होने देते हैं और इसमें डाल दिए हैं पूड़ी। तो देखिए पूड़ी कितना अच्छा से फूल रहा है। और है ना, ये कोई मैदा वगैरह हम कुछ भी नहीं डाले, ये राशन का पैकेट आटा है। तो इसी को ही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा आटा है ना तो रोटी भी मतलब हल्का लाल टाइप का ही होता है। तो इसलिए इसको सोचे कि पूरी बना के ही आटा को ख़त्म कर देंगे। इस दूसरी बार आटा बेच देते हैं, इस बार नहीं बेचे, घर पे ही रखे हैं। क्योंकि ऐसा बाहर का जो दुकान से आटा लेते हैं बहुत ज़्यादा दाम होता है, तो इसलिए सोचे थोड़ा आधा केजी जैसे ही निकलेंगे एक पैकेट से। भूसी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो इसमें भूसी बहुत होता है, लेकिन क्या करें, घर में तो बकरी भी है, खा लेती है बकरी भी, भूसी जो भी निकलता है वो खा लेती है। तो इसलिए सोचे जो भी आधा केजी भी निकल जाए तो भी मेरे लिए काफ़ी है। और ज़्यादा रोटी तो खाते नहीं है एक ही आदमी, हम लोग पति पत्नी में बच्चे, दो बच्चे तो रोटी नहीं खाती है, बड़ी वाली थोड़े बहुत खा लेती है, उसके पापा ही खाली खाने वाले हैं। और मुझे भी रोटी वगैरह इतना पसंद नहीं है पूड़ी होने से। अभी जब पूड़ी बन रहा है, इसमें बनाते वक्त ही मन इतना भर जा रहा है कि खाने का टाइम कुछ नहीं खाने सकेंगे। और इधर देखिए पूड़ी बन के हो गया रेडी। अब जाएंगे सब्जी बनाने, मतलब तड़का बनाने के लिए जाएंगे। इधर देखिए कितना अच्छा गोल गोल फूला हुआ पूड़ी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख के ही खाने को दिल हो रहा है। और इधर चले आए हैं किचन का, मतलब इधर का काम हुआ, अब जाएंगे तड़का बनाने के लिए। इधर 250 ग्राम लिए हैं दाल, तो इसमें डाल देंगे पानी और पानी डाल के इसको छोड़ देंगे कुकर में, चूल्हा पर छोड़ देंगे इसको। 2 सीटी 3 सीटी लग जाने से पूरा अच्छे से, ज़्यादा पानी नहीं देंगे, धीमे आंच में इसको छोड़ देंगे ऊपर गैस का ऊपर। तो गैस इधर जला लिए हैं, अब इसमें डाल दिए हैं, इसको रख दिए हैं पकने के लिए। तभी 2 सीटी लगने का बाद फिर से उतार लेंगे इसको। और देखिए अभी सीटी लग ही जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है ना, थोड़ा चीज़ है तो जल्दी गैस भर जाने से बस सीटी लगने लगेगा। इधर देखिए बन के हो गया रेडी, उधर मतलब सीटी उधर का काम। और जो दूसरा काम इधर हो गया है, प्याज थोड़ा काट लेंगे तड़का के लिए। तो इसमें कच्चा मिर्ची वगैरह हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि तड़का में ना झाल ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, झाल होने से कुछ ठीक नहीं लगता है।
तो एक्चुअली दूसरा टाइम बनाते हैं तो प्याज भी नहीं डालते हैं, तो अब्बू का खाना देना है तो अम्मी घर पे नहीं है, तो इसलिए उनके वजह से आज प्याज डाल के ही बनाएंगे। और इधर ले लिए हैं सूखा मिर्ची, क्योंकि कच्चा मिर्ची हम लोग नहीं डालते हैं, मतलब बहुत कम ही डालते हैं, क्योंकि झाल नहीं खाएंगे हम लोग, तो इसी में जो झाल हल्का सा मीठा होगा यही अच्छा लगेगा। दो तेज़पत्ता और प्याज लिए हैं। और इधर है ना, तो देखिए इधर कितने अच्छे से हो गया है, गैस ख़त्म हो गया है और जो हवा था गैस निकल गया है। और इधर है ना, बन के हो गया रेडी, पूरे अच्छे से नरम भी हो गया, गल गया है तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गल जाने से भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए धीमे आँच में दो सीटी लगवा दिए। दो सीटी होने के बाद बहुत अच्छे से पक गया है। और इधर जो तेल था ना, जो तेल में पूरी छाने थे, वो तेल को ही थोड़ा कम कर लेंगे और कम करके इसी में बना लेंगे तड़का को। तो इधर तेल गिर रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर है ना, तो परथन लगा के हम मतलब पूरी को बेले थे ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काला काला छा गया है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा इतना में। हाँ मतलब ऐसे ही, जैसे हम नहीं सकते हैं वैसा तो नहीं कर सकते, जैसे सकते हैं वही कर रहे हैं, और इसी में मेरा कंफर्टेबल होता है। और इधर डाल दिए उसी तेल में, थोड़ा काम कर लिए, बहुत ज़्यादा तेल था तो इसमें काम करके इसमें छोंक लगा दिए हैं। दो तेज पत्ता और लाल मिर्ची जो चीर के रख दे टुकड़ा करके उसको दिए, और थोड़ा सा दिए हैं पाँच फोरन डाल के पूरे अच्छे से इसको फ्राई करके थोड़ा थोड़ा अच्छा मीठा मीठा स्मेल आएगा। और आने के बाद में इसमें डाल दिए हैं प्याज, तो प्याज को हल्का सा ब्राउन कलर में हो जाने से, पूरे अच्छे से लाल करके ब्राउन हो जाने के बाद में इसमें डाल देंगे चना दाल। तो देखिए पूरे अच्छे से लाल हो गया है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। और इसमें डाल दिए हैं चना, अब चना हो गया, डाल दिए इसमें, पूरे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाले थे, थोड़ा सादा सादा दिख रहा है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। और स्मेल इतना अच्छा आ रहा है, मत पूछिए, खाने को मन कर रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें डाल दिया अभी नमक, और अभी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमकली बोलेंगे ना, ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है, इसलिए इसमें अभी भी डाल देने से कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत आदमी सोचते हैं कि ऊपर से देने से स्मेल आता, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिल जाएगा। पूरे अच्छे से चला लेना होता है तो अच्छे से मिल जाएगा, तो इसमें कोई भी स्मेल वगैरह हल्दी का कुछ नहीं आएगा। तो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और है ना, तो पूरा अच्छा लग रहा है। इसमें नमक चीनी आप लोग का अनुसार दे देंगे, चीनी हम हल्का सा दिए, हम लोग हर चीज़ में चीनी हल्का सा खाते हैं। और चीनी होने से क्या होगा, अगर थोड़ा नमक तेज या फिर थोड़ा झाल वगैरह कुछ भी होता है वो लेवल में आ जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लगता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और है ना, तो देखिए इधर सर्व करने के लिए हो गया तैयार। अभी आँच को कम कर दिए, थोड़ा धीमे आँच में कर दिए हैं, अब 2-3 मिनट तक, उसके बाद गैस को कर देंगे ऑफ। हो गया सर्व करने के लिए रेडी। तो मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। हो गया रेडी पूरी और तड़का, देखिए हो गया खाने के लिए, बहुत टेस्टी और रेडी।